हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रतिनिधि रहे श्री अनिल जी नागौरी। हम उनसे जानेंगे कि मध्य प्रदेश के अंदर जो है जो कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई है, तो क्या कारण जो है प्रमुख रहे कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार नहीं बना पाई। बड़े पैमाने पे जो है मंत्री जो रहे हैं सरकार के अंदर वे भी हारे हैं, और कई जगह जो है महाकौशल की बात कर रहे हैं या ग्वालियर चंबल क्षेत्र की बात करें तो वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है बुरी तरह हारे हैं। तो हमारे साथ मौजूद अनिल जी, हम अनिल जी से जानेंगे कि अनिल जी आप बताइए अनिल जी के ये प्रदेश में जो स्थिति थी कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई देती है और चौथी बार सरकार बनाने की कगार पे माना जाता है कि सरकार बनाएगी, लेकिन ऐसी परिस्थितियां बदली कि सरकार के आंकड़े को छूते छूते ही रहेगी, क्या कारण रहेगा? कारण बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी जमीन छोड़ दी, हकीकत को भूल गए। और नेताओं ने आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहना तो दूर, शिवराज की सरकार बोलना शुरू कर दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवराज की सरकार भाजपा की सरकार थी, शिवराज की सरकार नहीं थी। भाजपा चाहे जिसको मुख्यमंत्री, हमारे छोटे से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना सकती, लेकिन सरकार किसकी? भाजपा की। लोगों ने भाजपा की सरकार कहना छोड़ दिया, हमारे नेताओं ने, और शिवराज जी की सरकार। तो धरती अगर आप छोड़ दोगे तो अगली सरकार हम कहां से बना लेंगे? इसलिए ये सबक दिया पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कि धरती छोड़ना नहीं, और सरकार हमेशा दल की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं। अगर कोई अपने आप को इतना भुलाव में रखता है तो व्यक्ति निर्दलीय लड़के चुनाव देख ले तो मालूम पड़ जाएगा कि भाजपा की सरकार है या व्यक्ति की सरकार है। इसलिए हमारे यहाँ प्रदेश में जो स्थिति बनी है वो इस कारण से बनी है। आज स्थिति क्या हो गई थी, हम कुछ जगह जीत गए, इसका मतलब ये नहीं, वो जीत का कारण भी कांग्रेस के गलत प्रत्याशी, वहां हम इस कारण जीत गए, वरना कार्यकर्ताओं जनताओं में कितना आक्रोश था ये सब हमारे से कहीं छुपा हुआ नहीं है। आगे भविष्य में हमारे नेताओं को, संगठन को ध्यान देना पड़ेगा कि पार्टी पहले, नेता बाद में। पार्टी के कारण नेता बन रहे हम, अगर इतना ही दम है तो निर्दलीय या अपना खुद का जनाधार खड़ा करके बिना दल के हम नेता बन के बता दे। अरे जी, आपने बहुत बड़ी बात कही, कहीं ना कहीं जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी और शिवराज जी की सरकार इसको मान लिया था, शिवराज सरकार करने लगे, तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो है शिवराज जी से कहीं चूक हो गई है टिकट वितरण में लेकर के या मनमानी हुई? मनमानी तो प्रदेश के दो तीन नेताओं ने की है, अपनी मर्जी से टिकट बांटे, सर्वे और दुनिया भर के 6 महीने से जो चल रहे थे सबको कचरे की पेटी में डाल दिया और अपनी मर्जी से टिकट आवंटन किया, जिसका नतीजा ये नेताओं को तो भोगना पड़ रहा है, लेकिन नुकसान इसमें प्रदेश और देश का हुआ है, नेताओं का कोई नुकसान नहीं है। वो तो 10 साल, 5 साल, 15 साल रह के अपने घर बैठ जाएंगे। हमारे जो छोटा कार्यकर्ता है उसकी हमें चिंता करनी चाहिए कि उसकी क्या मनस्थिति, उसका क्या दोष था। ये दो तीन हमारे प्रदेश में नेता है, इन्होंने अपनी मनमानी और अपने जेबी संगठन मान लिया इस भाजपा को, और हमारा जो मात्र संगठन है उससे सलाह तक नहीं, या उसकी बात जो मेरे देखने में और सुनने में आया है, जहां मेरी बातें हुई है उससे यही लगा कि हमारा मात्र संगठन तक दुखी कि हम नेता बना देते हैं लेकिन सुनते नहीं। तो क्या मतलब किस तरीके की बातें नहीं सुनी गई और कहां मतलब जो है आप मानते हैं कि ये चीजें अगर हो सकती थी या ऐसा होता तो सरकार में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से आ जाती? आप देखिए, तमाम चुनाव के पहले बात थी 80-90 टिकट हम बदलेंगे। आप बताइए मुझे 230 टिकट में से कितने टिकट बदले? अगर वो टिकट ही बदल देते हमारे मात्र संगठन के कहने पे या सर्वे के आधार पे, जिनको इन्होंने आधार माना था उसके अनुसार के टिकट आवंटन हुआ है? अगर इसका नतीजा नेताओं को भोगना पड़ रहा और जिन्होंने हमारे संगठन को चरेवृत्ति काम नारा रखते हैं, घर घर में जाके जो हमारे प्रचारक लोग और संगठन मंत्री, उनकी तो कहीं कोई सुनी नहीं, सब अपनी मर्जी से चलाया दो तीन नेताओं ने, तो नतीजा भी भोग ले। कार्यकर्ता को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कार्यकर्ता तो अपना काम कर रहे हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं, दुकानें तो नेताओं की चल रही थी। आपने बहुत बड़ी बात कही, कहने के लिए दुकानें नेता की चल रही थी, तो किस तरह की दुकानें और क्या उन दुकानों के कारण ही जो है 13 मंत्रियों की हार एक बड़ा जो कारण हो सकता है? बिल्कुल, अब दुकान से आप आशय क्या निकालें?
एक कार्यकर्ता कोई व्यापार करता है तो जो व्यापार करता वो उसकी दुकान है, नेताओं की मंत्री बने बैठे ये इनकी दुकान थी। तो वो उसमें क्या हुआ? वो जो दुकान है वो सेवा का माध्यम है। अब आप समझ सकते हैं अगर वो सेवा के माध्यम से चलते तो शायद ये नतीजे नहीं होते। अब वो किस तरह से चले ये आकलन तो कार्यकर्ता जनता और आप लोग करें, क्यों ये स्थिति पैदा हुई। आपने जो पहले जो बातचीत में आपने कहा कि मैंने जो है शिवराज सरकार मान लिया गया भारतीय जनता पार्टी सरकार को, तो आपका क्या सीधा तौर पे कहना है कि शिवराज जी ने जो इन चुनावों में संगठन या आपके मात्र संगठन की नहीं सुनी और उसमें जो है हार के नतीजे सामने आए? बिल्कुल भाई, अगर सुनी होती तो जो शिवराज जी भी कहते थे कि टिकट बदलना कहां बदले, अगर आप कहते हैं कि शिवराज जी टिकट पार्टी तो बदल देते टिकट, क्यों नहीं बदले। इसलिए निश्चित रूप से मेरा ये मानना है और ये देखने में आ रहा है और कार्यकर्ताओं की खुलेआम से कह रहे, कार्यकर्ता खुले रूप से कह रहे कि संगठन को गौण कर दिया, व्यक्ति आगे हो गए। आप देखिए अखबारों में आता था शिवराज सरकार, कभी शिवराज जी ने या हमारे नेताओं ने खंडन किया कि आप भाजपा की सरकार कहिए? मैं तो निमित्त हूं, शिवराज की सरकार नहीं भाजपा की सरकार है। अगर भाजपा सरकार और मैं की जगह हम अगर चलेगा, क्योंकि हमने तो संत स्वयं सेवक होने के नाते हमेशा हम सीखा, मैं कभी नहीं सीखा, हमने हम सामूहिक रूप से काम करते, हम का महत्व है, संगठन का महत्व है, व्यक्ति की सरकार नहीं है, पार्टी की सरकार है। तो क्या इस बात जो है जो कि संघ भी कहीं ना कहीं जो है हर चुनाव में भूमिका अपनी निभाता है, पर्दे के पीछे ही सही, लेकिन वे फीडबैक देते हैं, उनके आधार पर कहीं ना कहीं टिकटों का वितरण होता है ऐसा माना जाता है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, क्या इस बार क्या संघ की भी नहीं सुनी या चली नहीं? संघ सुनने और सुनाने के लिए नहीं है, संघ अपनी भूमिका निभाता है, संघ अपना आईना दिखा देता है, ये आईना है, आप मानो तो ठीक, नहीं मानो तो भुगतो, संघ स्वयं सेवक को कोई फर्क नहीं पड़ता है, संघ अपनी गति से बिल्कुल चल रहा है, संघ को सरकारों से कोई लेना देना नहीं है, संघ अपनी भूमिका अच्छे से निर्वहन करता है, संघ काश दिखाता है कि आपकी स्थिति क्या है, अब आप स्वयं आकलन करिए कि हमको कैसा रहना है। तो क्या इस बार मतलब संगठन को लेकर भी बड़े पैमाने पर प्रदेश में देखने में आया था कि संगठन के अंदर भी जो है विरोधाभास, आपसी खेस्तान मची और सारी चीजें थी, तो क्या संगठन भी उस तरीके से नहीं चल पा रहा, ये नेतृत्व में कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई? अब नेतृत्व कहाँ का, प्रदेश के नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व तो जो शिवराज जी कह रहे वैसा कर रहा था, और संगठन जो कह रहा वो तो कोई सुन ही नहीं रहा ना, तो नतीजे क्या आएंगे? वरना कोई बड़ी बात नहीं, 10-20 सीटें 25 सीटें तो अगर टिकट आवंटन सही होता, मैं आपको व्यक्ति से नाम गिना सकता हूं, लेकिन हमारे संगठन में तय हो गया कि व्यक्तिगत नाम लेना नहीं है, खामियां गिनाना नहीं, खामियों को ढूंढना है लेकिन व्यक्तिगत नाम लेके नहीं, इसलिए मैं आपके सामने संगठन के दिशा निर्देश के अनुसार नाम नहीं बता सकता हूं। ये थे हमारे साथ में भाजपा के प्रदेश प्रतिनिधि रहे अनिल नागौर, जिनका साफ तौर पर कहना था कि मनमानी हुई टिकट वितरणों में और टिकट वितरणों में खामियों के और गलत टिकट वितरण के कारण ही जो है यहाँ सरकार बनाने से वे चूक गए, मंथन और समीक्षाएं सारी अपनी जगह हैं, लेकिन एक बड़ा हमला उन्होंने जो है सीधे तौर पे वरिष्ठ नेताओं पे बोला है, और आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन बयानों के बाद और जो आपसी अब जो हार के कारणों को खोजा जा रहा है उसके बाद क्या निकल के आ पाता है। मेरे सहयोगी कैमरामैन दीपक खताबे के साथ वॉइस ऑफ एमपी के लिए श्याम गुर्जर।